अस्सलाम वालेकुम रिजवानास किचन से, क्या हाल है आप लोगों के। आज मैं आपको कढ़ी बनाना सिखा रही हूँ। सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है, मेरी भी अपनी रेसिपी है, लेकिन बहुत अच्छी है, लोगों को बहुत पसंद आती है। तो आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर मतलब बना कर खाइएगा, मेरी रेसिपी से बहुत पसंद आएगी आपको। ये मैंने आधा किलो दही लिया है, आधा किलो दही है इसमें, और 6 चम्मच बेसन के हैं, और 2 चम्मच लाल वाली मिर्चें हैं, और आधी प्याज है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का है, 1 चम्मच हल्दी का है, और 1 नमक हसबे ज़ायका है, जितना आपको चाहिए आप अपने लीजिए। इसको मैंने सबको जग में डाल दिया है। अब इसको मैं खूब अच्छी तरह पीस कर और फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। तो हम आपको पीस कर दिखाएंगे। ये देखिए, ये मैंने पीस कर इसमें ये डाल दिया है, और इसमें फिर मैंने 1 जग ये पानी और डाल दिया है। कड़ी ये है कि 2-3 घंटे बनती है, पकती है तभी मज़ा आता है। ये मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है, इसका चूल्हा ऑन कर दिया है। अब हम इसको जब तक चलाते रहेंगे जब तक इसमें एक बॉईल ना आ जाए, वरना दही फटने का डर होता है। तो आप इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहिए, क्योंकि दही और वो पानी अलग अलग ना हो जाए। तो अभी इसको मैं चलाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इसमें मैं ये कड़ी पत्ता मैंने धो के साफ़ करके रखा है, इसमें मैं ये भी डाल दूँगी, और फिर कम से कम ये 1.5 घंटा पकेगी, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। ये देखें, ये इधर हमारी कढ़ी बन रही है, तैयार हो रही है। इधर मैंने ये बेसन निकाला है, ये बेसन निकाला है पकौड़ों के लिए। अब इसमें मैं डालूँगी मिर्चें, तो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसमें 1 चम्मच मिर्ची डाली, ये मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया, और इसमें फिर हम डालेंगे ज़ीरा। ये कढ़ी के पकौड़े के लिए हैं, ये हम डालेंगे इसमें ज़ीरा 1 टीस्पून, और उसके बाद अभी मैं ये बेसन घोल के रखूँगी। 15-20 मिनट बेसन घुलता है तो बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं। उसके बाद उसमें मैं ये हरा धनिया, पुदीना और ये हरी मिर्च काट के डाल दूँगी बस, और ये 1 प्याज है इसको काट के इसमें डालूँगी। ये सारी चीज़ें पकौड़ों की हैं। तो अभी मैं मिक्स करके और काट के फिर आपको दिखाती हूँ क्या क्या। हाँ भाई, हमारी कढ़ी बनकर हो रही है तैयार। ये मैंने उसका पघार तैयार कर लिया है, 1 प्याज है, 6-7 लाल मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं, कड़ी पत्ता है, ज़ीरा है, और ये जो मैंने आपको सब बताया था, हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्चें, ये सब मैंने बेसन में डाल दिया है। इधर कड़ी हो रही है बनकर तैयार, तकरीबन हो चुकी है, और हम पकौड़े का घोलते हैं मसाला, फिर पकौड़े बना के दिखाते हैं आपको। तो जनाब, मैंने बना लिया है, बेसन घोल लिया है पकौड़ों के लिए। ऐसी उसकी वो होनी चाहिए, ऐसे इतना मतलब होना चाहिए कि अच्छे पकौड़े बने, नरम। कड़ी में जो बहुत से लोगों के पत्थर सॉफ्ट हो जाते हैं पकोड़े, वो नहीं होने चाहिए। बेहतरीन बैटर बनकर तैयार हो गया है, ये बघार का रखा हुआ है। अच्छा, अब हम अभी कढ़ाई में हमने तेल रख दिया है, अभी तेल हमारा गर्म हो जाए तो फिर हम पकोड़े बनाना शुरू करेंगे। और पकोड़ों को लाजमी आप लोग तलने के बाद पानी में डालें, पानी में डालने के बाद फिर कढ़ाई में डालें, तो बहुत नरम और बहुत मज़ेदार पकौड़े बनते हैं, ठीक है। और नमक आप अपने हिसाब से रखिएगा, हंसते जाएगा जितना आपको नमक। मिर्च जो तेज़ खाते हैं वो तेज़ डाल देते हैं। अच्छा, बहुत से लोग कढ़ी में क्या करते हैं, टमाटर भी डाल देते हैं पालक भी डाल देते हैं पकोड़ों में, आलू भी डाल देते हैं, तो नहीं, ये चीज़ें नहीं डलती हैं। जो चीज़ जैसे बनती है ऐसे ही बनाइए। पकौड़ों में आलू पालक हम नहीं डालते, जो हमारा तरीका है, जो मेरा तरीका है। और बाकी बघार में मैं ये सब डालती हूँ जो मैंने दिखाया आपको सब। तो अब देखें, हमारी कढ़ी जब तैयार होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डालिएगा। अच्छा, ये देखें, ये मैंने पानी में पकौड़े डाले थे, मैंने निचोड़ के इसमें डाल दिए हैं, ये देखें, और ये कढ़ी में डाल दिए, और इधर ये हमारे पकौड़े बन रहे हैं। इतने छोटे छोटे पकौड़े डालने हैं आपको, बस अब ये पकौड़े बन जाएंगे तो मैं सब इसमें डाल के फिर मैं बघार लगाऊँगी। अच्छा जी, तो मेरी कढ़ी बनकर हो गई है तैयार, और अब मैं डाल रही हूँ उसमें बघार। ये देखें, मैंने इसमें डाली है प्याज, अभी थोड़ी सी प्याज हो जाए मेरी। ये मैंने इसमें डाल दी मिर्चें, ये इसमें मैंने डाल दिया कड़ी पत्ता। थोड़ी सी प्याज हो जाए तब मैं ज़ीरा डालूँगी, क्योंकि ज़ीरा एकदम से जल जाता है प्याज होने के बाद, फिर मैं डालूँगी। हमारा बघार बनकर हो रहा है तैयार, बेहतरीन बघार हो रहा है।
ये बघार हमारा बनकर हो गया तैयार, और मैंने कड़ी में डाल दिया है। रिजवाना के चंद से अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।